हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज हम क्वेश्चन लेके आई हूँ, दो तीन क्वेश्चंस हैं। ये लेसन है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस, यहाँ से लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो नाइट्रोजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों के नाम बताइए। ठीक है, नेम टू बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक नाइट्रेट्स और एक नाइट्राइट्स, तो ये दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये नाइट्रेट होते हैं। ठीक है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, आपने फार्मूला नहीं लिखना है, आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसी में मैं लेने जा रही हूँ, और क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन किन किन पदार्थों में पाई जाती है, इन विच सब्सटेंसेस नाइट्रोजन इज फाउंड। तो नाइट्रोजन जो है वो मुख्य रूप से प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए में, आरएनए में। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसिड को हो या अम्ल को, एक ही बात है। तो आपने नाम ही याद कर दें कि नाइट्रोजन प्रोटीन में पाई जाती है, न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है, डीएनए में, आरएनए में, विटामिन्स में पाई जाती है। तो आपने डीएनए बेटा पूरा ऐसे कैपिटल में लिखना, डी भी बड़ा, एन भी और ए भी। डी से डीऑक्सी, एन से डीऑक्सीराइबो और एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड। तो आरएनए का होएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो डी से डीऑक्सीराइबो, तो इसका अकेला राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा एल्केलाइड जो है और यूरिया, इसमें भी जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने और करवाना है जो नाइट्रोजन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है हमारा, मृदा में नाइट्रोजन की कमी कैसे हो जाती है, हाउ डस नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट इन सॉइल। जब एक खेत में हम एक ही प्रकार की फसल को बोते जा रहे हैं और ख़ास करके वो फसल जो नाइट्रोजन को अर्थ से लेती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी गैस है जो हमारे एयर में, वायुमंडल में 78% पाई जाती है, पर इसको ना तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम ह्यूमन बीइंग्स इसको, एनिमल्स इसको ले सकते हैं। ठीक है, इतनी परसेंटेज होने के बावजूद हम ना प्लांट्स ना ह्यूमन बीइंग्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, पर ये नाइट्रोजन तो बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी हमने पढ़ा कि ये आरएनए का, डीएनए का, न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन्स का मुख्य घटक है नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन जो है, अब बनती कैसे है हमें पता लग गया कि प्रोटीन जो है वो बनाए जाते हैं इससे। अब जब खेत में एक ही प्रकार की फसल को हम बार बार बोते रहेंगे और वो भी वो फसल जो मिट्टी से, सॉइल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेती है, अब उसको बचती नहीं है अर्थ में, मिट्टी में नाइट्रोजन। ठीक है, तो फिर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था, मिट्टी में, मृदा में नाइट्रोजन की कमी कैसे पैदा हो जाती है। तो हाउ डज नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट इन सॉइल। तो जब एक ही मृदा में या हम खेत में कह सकते हैं बार बार एक ही प्रकार की फसलें उगाते रहते हैं, ठीक है, उपज प्राप्त करते रहते हैं, तो उस मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। आप इस कमी को कैसे पूरा करेंगे, इस कमी को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन वाली खादों का प्रयोग करेंगे। अब कौन सी खाद नाइट्रोजन वाली बहुत बढ़िया है, यूरिया खाद भी अच्छी है, पर अमोनियम नाइट्रेट वाली खाद जो है वो सबसे उत्तम खाद है। ठीक है, मोस्ट प्रिवीलिंग फर्टिलाइज़र जो है वो है अमोनियम नाइट्रेट। और इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाते हैं अमोनिया गैस और नाइट्रिक अम्ल के मेल से। अमोनिया गैस का फार्मूला होता है ये वाला NH3 और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है ये वाला, ठीक है, NH
सॉरी HNO3। आपने कोई फार्मूला नहीं लिखना है, आपने सिर्फ इसको ऐसे ही लर्न करना है जैसे क्वेश्चन मैंने ये लिखाया हुआ है। तो मेरे को उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियो देखते रहिए और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो। थैंक